हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम क्या करेंगे, जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का हमने बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, जीपी वाला, उसके 6th तक एग्जाम्पल कर लिए थे हमने, ठीक है। आज कौन से करेंगे हम, 7th एग्जाम्पल। 7th एग्जाम्पल की क्या स्टेटमेंट है आपके पास, इफ ए बी सी आर इन जीपी एंड ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी रेज टू पावर इज इक्वल टू सी रेज टू पावर जेड, देन प्रूव दैट 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 2/y। देखो, इस टाइप का बिल्कुल सेम एग्जाम्पल हमने जो इंडिसेज वाला चैप्टर किया था उसमें किया था, लेकिन उसमें क्या था आपके पास, इस कंडीशन के साथ साथ एक कंडीशन और गिवन थी। कौन सी थी वो, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, इस कंडीशन के साथ आपकी ए बी सी को जीपी में दे रखा है और बाकी का बाकी सारा सेम का आपके कैसा है, जो एग्जाम्पल किया था हमने इंडिसेस में बिल्कुल सेम वैसा ही, ठीक है। तो देखो, ए बी सी आपके जीपी में है, तो मैंने बताया था कि तीन नंबर अगर जीपी में है तो उनका कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हो, इस नंबर को इससे पीछे वाले नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कॉमन रेशियो आएगा। मीन्स बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, इनको डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो आएगा, क्योंकि नंबर जीपी में है तो कॉमन रेशियो क्या आएगा आपका, सेम आएगा। अब यहाँ से देखो क्या कंडीशन इम्प्लाई होगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो बी स्क्वेयर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आपकी ए सी के इक्वल आ गई, और ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड, ये तीनों क्या है, इक्वल। अब देखो, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो वो जो हमने सेकंड चैप्टर में किया था इंडिसेस वाले में वैसे, दूसरा आप इसको क्या कर सकते हो कि आप ए की वैल्यू भी बी की टर्म में निकाल दो, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू भी किसकी टर्म में निकाल दो, बी की टर्म में निकाल दो, और वो वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो तो वो बी की टर्म में आ जाएगी इक्वेशन आपकी, ठीक है। तो वो तरीका तो हमने कर ही लिया था, आज इसमें हम दूसरे तरीके से करेंगे, चाहो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो और इससे भी, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे आप, इस इक्वेशन का यूज करो, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी रेज टू पावर वाई, दिस इम्प्लाई ए इज इक्वल टू बी रेज टू पावर वाई बाई एक्स, दोनों तरफ क्या कर दिया आपने, 1/x पावर ले दी, ठीक है। अब देखो, ए की वैल्यू तो आ गई बी की टर्म में, अब इन दोनों इक्वेलिटी को कंसिडर करोगे, इनको कंसिडर करोगे तो क्या आएगा, सी रेज टू पावर जेड इज इक्वल टू बी रेज टू पावर वाई, एंड दिस इज इक्वल टू सी इक्वल्स टू बी रेज टू पावर वाई बाई जेड। तो हमने सी की वैल्यू भी निकाल दी बी की टर्म में, और ए की वैल्यू भी किसकी टर्म में निकाल दी, बी की टर्म में निकाल दी। अब इस इक्वेशन में क्या करो, ए की और सी की वैल्यू को पुट कर दो तो आपके पास देखो क्या रिजल्ट आएगा, बी स्केयर इज इक्वल टू ए कितना है आपका, बी रेज टू पावर वाई बाई एक्स, और सी कितना है आपका, बी रेज टू पावर वाई बाई जेड। अब देखो, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, एड हो जाएंगी, तो आपके पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू बी रेज टू पावर y बाई एक्स प्लस वाई बाई जेड। अब देखो, बेस आपका सेम तो आपकी पावर भी क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ से, टू इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई जेड, वाई दोनों में कॉमन है, कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू वाई इंटू 1/x प्लस 1/z। अब इस y को इस 2 के साथ लेके आओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 अपॉन y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 7th। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 की क्या स्टेटमेंट है आपके पास, फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग ए जीपी इन विच थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9 एंड सेकंड इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18, ठीक है। आपको जो नंबर गिवन है वो कितने नंबर है, 4, और जीपी में है। तो देखो, जैसे एपी में होता था ना आपके पास, कि अगर तीन नंबर एपी में है तो उनको आप क्या लेके चलते थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। सिमिलरली आप जब आपके पास फोर नंबर एपी में होंगे तो उनको क्या मान के चलोगे, आपने मान लिया लेट ए ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब, ये तीन नंबर आपके पास किस में है, जीपी में है, जीपी में है ना। जब इसको इससे डिवाइड करोगे आर आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी आर आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा आपके पास, आर आएगा। तो यहां से देखो, फर्स्ट टर्म तो क्या आ गई आपकी ए, और जो कॉमन रेशियो है वो कितना आया आपके पास, आर। अब देखो कंडीशन क्या गिवन है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9, तो ये आपने मान ली फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म, ये आपकी फोर्थ टर्म। जो आपकी थर्ड टर्म है वो कितनी है आपकी,
फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी आपके पास T1 प्लस 9, जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है, तो इसका मतलब T3 कितना आ जाएगा, T1 प्लस 9। और जो आपकी सेकेंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से कितनी ज्यादा है, 18, तो आपके पास क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 4/18, मीन्स T4 से आपकी 18 ज्यादा है, कौन सी टर्म, सेकेंड टर्म। तो आपके पास ये दो कंडीशंस गिवन है, इनका यूज करके आपको ये चारों नंबर बतानी है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, आपको पता है कि ये नंबर आपके पास कब फाइंड होंगे, जब आपके पास a की वैल्यू आ जाए, r की वैल्यू आ जाए। दो को फाइंड आउट करने के लिए दो कंडीशन आपको गिवन है, इन दोनों को सोल्व करके हम a की वैल्यू भी निकालेंगे और r की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। और वो जो भी वैल्यू आएंगी उनको इसमें पुट कर देंगे, तो आपके पास ये चारों नंबर डिटरमाइन हो जाएंगे। अब देखो इसमें T3 इज इक्वल टू T1 प्लस 9, ठीक है। T3 क्या होता है आपका, AR की पावर 2, दिस इज इक्वल टू T1 कितना है A, और ये प्लस आपका 9, ठीक है। ये क्या इंप्लाई करेगा, इस A को उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, ये आपका AR² माइनस A, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 9। अब इसमें से A को कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, A into R² माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 9। ये तो आपके पास कहाँ से आई, जो फर्स्ट वाली कंडीशन ली थी उससे। अब इसको कंसिडर करोगे, इससे देखो क्या आएगा, T2 की वैल्यू किसके इक्वल है, T4 प्लस 18। T2 कितना होता है आपका, T2 होता है AR² एंड दिस इज इक्वल टू AR³ प्लस 18, ठीक है। अब क्या करो, इसको भी इधर शिफ्ट करो तो देखो कितना आएगा, देखो ये आपका T2 की वैल्यू है, T2 कितना होता है आपका AR, AR² नहीं, TR कितना, T2 कितना होता है आपका AR। अब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, AR माइनस AR² एंड दिस इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये आपका, अगर आप इसमें से A और R को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ये आपका AR into 1 माइनस R² एंड दिस इज इक्वल टू 18। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से A into R² माइनस 1 की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट 9 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो आपके पास क्या आएगा, एक तो इसमें से माइनस को कॉमन ले दो, ठीक है, इस R को रखो बाहर, और इस ये क्या बन जाएगा आपका, A into -1 कॉमन लिया है तो ये बनेगा R² माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 18। अब देखो इस टर्म की वैल्यू 9 के इक्वल है तो कर दो पुट, कितना आएगा आपके पास, -R into 9, दिस इज इक्वल टू 18। यहाँ से आपके पास देखो इस R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इज इक्वल टू 9, से ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा और माइनस आपका है ही साथ, तो R की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी, -2 के इक्वल आ गई। अब आपके पास R की वैल्यू आ गई, अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप A की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो देखो A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, जो ये इक्वेशन है आपकी इसमें वैल्यू पुट कर दो R² की, तो क्या आएगा आपके पास, A into R² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 9। 4 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो देखो कितना आएगा ये आपका, दिस इम्प्लाई A 3, दिस इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाई A इज इक्वल टू 3। तो आपके पास A की वैल्यू भी आ गई, R की वैल्यू भी आ गई, इन दोनों वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास A AR AR² AR³ आ जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, चारों नंबर 3, और आपका AR कितना आएगा, 3 into -2, तो ये बनेगा आपका -6। A into R² ये कितना बनेगा आपके पास, ये आपका बनेगा 12, क्योंकि पावर 2 करोगे तो ये आपका प्लस बन जाएगा। AR³ कितना बनेगा आपका, AR³ की वैल्यू आपके पास आएगी -24, तो आपके पास वो चारों नंबर आपने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 8। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 9 देखो, सम ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन AP इज 15। इफ 1, 4, 9 आर एडेड टू द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर आर इन GP। आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। 3 नंबर आपके किस में गिवन है, AP में, और आपको पता है कि अगर 3 नंबर AP में हो तो आप उनको क्या मान के चलते हो, A माइनस D A एंड A प्लस D, ठीक है। और इन तीनों का सम कितना गिवन है आपको, 15। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाओ, देखो 3 नंबर AP में दे रखे थे तो हमने मान लिया ये सम कितना गिवन है, 15। सम कितना है आपके पास, A माइनस D प्लस A प्लस A प्लस D एंड दिस इज इक्वल टू 15। D से आपका D कैंसिल, दिस इम्प्लाई 3A इज इक्वल टू 15 एंड दिस इम्प्लाई A इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास A की वैल्यू आ गई, मीन फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब इसने देखो क्या दे दिया,
149 आर एडेड टू द नंबर, कि जो ये तीन नंबर थे इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, 14 और 9 ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद जो नंबर बनेंगे वो किस में है आपके पास, वो जीपी में है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो कर दो। जब आप इसमें करोगे ऐड तो ये क्या बनेगा आपके पास, ए माइनस डी, कितना है आपका ए माइनस डी में आपको क्या ऐड करना है, वन। तो ए माइनस डी प्लस वन। सेकेंड नंबर क्या बनेगा आपके पास, ए प्लस फोर। और थर्ड नंबर में क्या ऐड करना है आपको, नाइन। तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस डी प्लस आपका नाइन। तो आपको क्या दिखाना है कि ये नंबर आपके पास जीपी में है। अगर आपके पास ये ऐड करने से ये नंबर अगर आपके पास जीपी में है तो आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखो ये तीनों नंबर आपके जीपी में है तो इसका मतलब इनका कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हो, इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, तो देखो क्या आएगा आपके पास, ए प्लस डी अपॉन ये क्या आएगा आपके पास, ए माइनस डी प्लस वन। दिस इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस नाइन अपॉन ए प्लस फोर। ठीक है, अब ए की वैल्यू आपके पास गिवन है तो पुट कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इम्प्लाई 5 प्लस डी अपॉन ए की जगह पे 5 पुट करोगे, 5 ये और 1 ये, तो क्या बन जाएगा आपका 6। तो आपके पास बनेगा 6 माइनस डी, दिस इज इक्वल टू ये कितना आएगा आपके पास, 9 और 5 14, तो आपका होगा 14 प्लस डी अपॉन ये क्या बन जाएगा आपके पास, ए तो आपका कितना है 5। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बनेगा, 5 प्लस 4 9। ठीक है, अब देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको अगर सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। ए और डी आने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास वो तीनों नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे। तो देखो करो इसको सोल्व आगे। एक चीज देखो, इसमें आपको जो थर्ड नंबर ऐड करना था वो 9 नहीं 19 ऐड करना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 19 ऐड करेंगे। 19 ऐड करोगे तो 19 प्लस 5 ये आपका बनेगा 24। ठीक है, अब करो इसको सोल्व। तो देखो क्या आएगा आपके पास, 9 इंटू 5 प्लस डी, दिस इज इक्वल टू ये आपका होगा 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी। ठीक है, अब करो इसको सोल्व। स्टूडेंट्स देखिए एक चीज़ और थी, हमने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी, ये ए अपॉन 4 अपॉन ए माइनस डी प्लस 1 करना था और यहाँ पे ये गलती से क्या कर दिया, यहाँ पे डी कर दिया, ये आपका 4 आएगा यहाँ भी। ठीक है, क्योंकि जो सेकंड नंबर था वो ए प्लस 4 था, तो ए प्लस 4 अपॉन फर्स्ट नंबर, फिर दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। तो अब देखो जब आपने ए की वैल्यू 5 पुट करोगे तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, आपका 9 बनेगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से लिखती हूँ, देखो क्या बनेगा आपके पास, ये आपका बनेगा, ये आपका 9 है, तो 9 अपॉन 6 माइनस डी एंड दिस इज इक्वल टू 24 प्लस डी अपॉन 9। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 9 इंटू 9 81, तो 81 इज इक्वल टू 24 प्लस डी और आपका 6 माइनस डी। इस इक्वेशन को आप सोल्व करके डी की वैल्यू फाइंड आउट करना, जो भी डी की वैल्यू आए और ए की वैल्यू आएगी उसको आप कहाँ पे पुट करोगे, जो हम स्टार्टिंग में तीन नंबर लेके चले थे उसमें, तो आपके पास वो तीनों नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे। तीन नंबर क्या थे आपके पास, ए माइनस डी ए ए प्लस डी, इसमें पुट करना तो आपके पास तीनों नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9th। एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है इस टाइप के, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, जहाँ भी डाउट आए वो पूछ लेना। ठीक है।